सारे प्याज अलग कर दिए। अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? ये फ्रिज भर दिया हमने ये प्याज से, गार्डन से सारा प्याज, प्याज स्टोर कर दिया हमने, प्याज निकाल के यहाँ डाल दिया। देखो हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ पे गार्डन में बैठ के धूप सेक रहे हैं और चाय भी पीने, चाय चलेगी। खाने में है घर का बनाया मक्खन, सब्जी, प्याज, हरे प्याज, गुड़, चाय और पौधे की रोटी जो गढ़वाल का स्पेशल है। कचरे की गाड़ी आ गई है जयदीप के लिए बाल कटाने के लिए। सो बाल कट गए, अब फेशियल होगा, फेशियल के लिए बैठा हुआ जयदीप। ये यहाँ पे पोटलियाँ बन रही हैं, स्नेहा और आरती यहाँ पे पोटली बना रहे हैं, काफी चीजें यहाँ पे एक एक पोटली में डालना है। सो फ्रेंड्स, हम लोग बना रहे हैं कीर्तन मंडली के लिए पोटलियाँ, जैसे जो लेडीज वगैरह आएंगी ना कीर्तन में, उस इसमें उन्हें क्या क्या, काजल, सिंदूर, बिंदी, ये सब चीजें हम पैक करके देंगे, मतलब चार पांच चीजें होती हैं वो पैक करके देंगे, तो हम वो पोटलियां बना के अभी से रख रहे हैं, पोटलियां बेच भी रही है। एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, एक आइटम ये है। फ्रेंड्स, आधी पोटलियां हमने बना के ना उधर सजा दी थी कि हम आपको दिखाएंगे, फिर अचानक से हमें बिंदी का डिब्बा मिला तो हमें याद आया कि हमने सब रख दिया और बिंदी नहीं रखी, तो हम दोबारा पोटली खोल रहे हैं और बिंदी रख रहे हैं। बिंदी तो इम्पोर्टेंट है, मैं भूल गई थी, आरती वो हैंकी फोल्ड कर करके हैंकी फोल्ड करने में ट्रेंड हो गई। वाओ, चलो जल्दी करो, फटाफट करो यार। ये सारी पोटली यहाँ पे बन चुकी हैं और ये हैं कलाकार दो जिन्होंने किया, और भी है यहाँ पे जो बन रही है। जयदीप का वेट करते करते भाई साहब पूरा दिन चढ़ गया है यहाँ पे, और अभी तक इसका फेशियल चल रहा है, थोड़ी देर में आएगा, फिर हम आगे जाएंगे, थोड़ा कुछ काम है, पान के पत्ते लेके आने हैं, फिर घर आके फिर इनको मेहंदी के लिए लेके जाना है, तो चल रहा है। यहाँ पे आए हुए थे पान के पत्ते लेने के लिए, पान के पत्ते ले लिए हैं, यहाँ पे रखे हैं और अब जा रहे हैं हम लोग वापस घर। आज का दूसरा दिन है यहाँ पे देहरादून में तैयारियों का, और यहाँ पे गोष्ठी चल रही है, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं लोग, क्या बातें कर रहे हैं तुम लोग? अभी यहाँ पे तीन जनरेशन बैठ गए, आपने वो तो लिया नहीं, तीन जनरेशन, मम्मी, नानी, आरती और छुई लगा रहे थे, पता नहीं क्या एकदम कोने में बैठ गए। हेलो, एको कर, एको, एको वाला बढ़िया था। हेलो, माइक हमने मंगाया है, आरती लेकिन जी चाय, काउंटर नंबर चार पे चाय ले कभी जल्दी, काउंटर नंबर चार। माइक टेस्टिंग आउटडोर्स, आवाज बहुत ज्यादा नहीं आ रही, बिना इको के तो बहुत कम है, और पास करना बिना इको के तो बहुत कम है। ये यहाँ जी लगी हुई है सफाई करने में, यहाँ पे किचन में, किचन की ये तो बहुत ज्यादा आपने क्लीन कर दिया भैया, इतना क्लीन तो हमने आज तक नहीं देखा। बढ़िया बढ़िया, लगे रहो मुन्ना भाई है। फ्रेंड्स, इतना घूमने के बाद हमें एक शॉप मिली है फ्रूट्स वाली, हमें ना ये बडली वाला सामान बनाना है इसीलिए चले। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए फ्रूट वाली बास्केट लेने के लिए, अगर ये लगवा दे तो अच्छा है, सही है। कौन से फल रखने, फ्रूट्स तो बहुत पड़े, देख लो। अच्छा, ये सीट कवर, सीट कवर डालना है यहाँ पे, सीट कवर नहीं है वो कवर से। अच्छा, लेडीज है ना, लेडीज पार्टी दोनों रूम में सो जाएगी, हाँ, और जेंट्स इसमें सो जाएंगे, जहाँ मिठाई थी इस पर से तो जाएगा वो कहाँ है।
सब कुछ इसी में, पान के पत्ते, हल्दी, सब कुछ हमने सब एक में डाल, इसी में डाल दिया। हाँ, और हम जा रहे हैं हल्दी देने के लिए लड़की वालों के यहाँ। सोनू ने जहाँ अरेंजमेंट करा है उसका हमने पूरा ये पैक बना दिया हल्दी का। तो उन्होंने कहा था जयदीप वगैरह के हाथ से ही हम लेकर, मतलब वहां देनी है, तो हम लेकर जा रहे हैं। तो वो लोग हमें हल्दी देंगे, वो भी हमें लेकर आनी है। सो आप देख लो, मम्मी पापा नहीं जा रहे, जयदीप नहीं जा रहा, हम लोग जा रहे हैं, मैं, मौसी, आरती और जो कैमरा मैन है नेगी जी। जय श्री, जय माता। बोलता की बहन करती है रसम। अच्छा, तो क्या करना है बताओ। अब तो हो गया, नेगी जी भी रेडी हो गए। आज बोल दो आप क्या हंस रही हैं। आज से रस्म शुरू हो गई, आज से रस्में शुरू हो गए। सो अब हम वहाँ जाते हैं, और अगर वहाँ आपको अपडेट दे पाएंगे तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ अपडेट लेकर आएंगे वीडियोस के द्वारा। ओके बाय। चलो गाइस, मेहमान आ गए, मेहमान मेहमान लोग बोलेंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम लोग पहुंच गए हैं होटल ग्लोरी में, और ये वही जगह है, वो सेम होटल है जहाँ पे हम सगाई के लिए भी आए थे। आरती, स्नेहा, मौसी एंड गोल्डी। अपवित्र पवित्र वा सर्वस्थां कृत्वाप्रीत पुण्डरीकाक्षा शवः अभ्यंतरः शुचिः अपर्च पंतुते भूता ए भूता भूसंस्था ए भूता विकर्तारी नश्यन्तु शिवाग्या। श्री हमारी पूजा को अंगीकार करना, स्वीकार करना, सारे देवी देवताओं ने, आपके इष्ट देव ने आपकी पूजा को स्वीकार किया है और कह रहे हैं कि हम आपकी श्रद्धा से, आपकी पूजा से प्रसन्न हैं और आपकी कन्या को आशीर्वाद देते हैं, आपकी दामाद को आशीर्वाद देते हैं। छोड़िए यहाँ पे फूल, और सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करो। गणेश जी का बहुत बड़ा परिवार है, सब है। गणेश जी की पत्नियों का नाम है रिद्धि सिद्धि, और बेटों का नाम है शुभ लाभ। शुभ लाभ की पत्नियों का नाम है तुष्टि पुष्टि, और तुष्टि पुष्टि के बेटों का नाम है आनंद, मंगल, वैभव, कुशल। सबको बुलाओ जी, और साथ में लक्ष्मी जी को है। वैसे तो स्वस्ति वाचन जब हुआ था सारे इस कलश में आ गए थे सारे देवता के। प्रिया नाम त्वा प्रिय पति गंगवामे, निधि नाम त्वा निधि पति गंगवामे, वशो मम अहम जानी कृपधामा त्वम जासी कृपधामा। आपने भगवान जी को याद किया, याद का उठा होगा दया, दया की भगवान ने आपके ऊपर। आगे सारे देवी देवता आपके इस कार्य में सम्मिलित होने के लिए आप उनको आमंत्रित किए हैं, और आप जब तक आपके यहाँ ये मंगल कार्य होता है तब तक वो आपका साथ, आपको आशीर्वाद देते रहेंगे, आपकी कन्या को आशीर्वाद देते रहेंगे। आगे जब कोई मेहमान घर में आते हैं तो जल से उनका सत्कार करते हैं। सबसे पहले आप जल चढ़ाएंगे। ओम पादे पादम स्वर्गम। तमसि विष्णु संपत्रि स्तौ विष्णवमसि विष्णवे त्वाम् अग्नि देवता, ध्यातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्र देवता, दित्या देवता, मरुतो देवता, दिशे देवा देवता, बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। मंत्रार्था सफला संतो।
गाइस हम लोग कर रहे हैं डिनर यहाँ पे जहाँ पे हमने सगाई करी थी। सगाई के टाइम का डिनर याद आ गया मुझे, है ना। ये बड़े मामा हैं, ये मौसा जी हैं, ये छोटे मामा। ये सभी मामा ही हैं, आंटी के कजन्स हैं। हाँ, मेरे कजन्स। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे मिलने के बाद घर वापस जा रहे हैं। और घर पे आपने देखा था विक्की और आ गए हैं, मतलब गेस्ट आने शुरू हो गए। सो गाइस, प्रोग्राम हो गया है समाप्त एंड हम लोग जा रहे हैं घर वापस हैं। और आज गोल्डी ने मुझे धोखा दिया है, इसको नई भाभी मिली है ना, ये पुरानी भाभी को भूल गया है। इसका तुमसे बदला लिया जाएगा, तुम याद रखना बेटा। ले लो, बस बस बस। गाइस बहुत ही ठंडा हो रहा है यार, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा। चलो, मेरी तो कुल्फी जम गई, मेरी तो कुल्फी जम गई यार। गुड मॉर्निंग स्नेहा, 12:08 हो गए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। ये सुनसान सड़क है हमारे घर के पास और हम लोग घर पहुंच गए हैं। पता नहीं लोग हमारा वेट कर भी रहे होंगे या सो गए होंगे। तो गाइस पहुंच गए हैं जगह, भाई अंदर ले चलो सीधे सीधे। कौन है ये शादी वाला घर? रात के 12:30 बज चुके हैं, अब हम आए घर। ये रहा शैलू। हाय शैलू। हाय। विक्की, व्हाट इज अप? विक्की की बुआरी, विक्की की बुआरी। और ये शैलू की बुआरी, पुरानी बुआरी। तू पुरानी तो मैं तो बासी इस घर में। और बताओ भाई कैसा रहा सफर? अच्छा था, बारह बजे तक सुबह हमारा कोई प्लान नहीं था निकलने का। 12:00 डिसाइड किया हमने कि हम निकलेंगे। उसके बाद निकलते निकलते पैकिंग करते करते 2:00, फिर खाना खाते खाते 3:30, निकलते निकलते 4:00। बट तुम लोग टाइम पे पहुंचे, 4:00 निकले और 9:30 तक पहुंच गए। तुम लोग बहुत सही टाइम पे पहुंचे हो। शैलू तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि कल क्या खाऊं, परसों क्या खाऊं, क्योंकि मैंने नहीं खाया है इसकी शादी में, विक्की की शादी में। तो मैं जदी भाई की शादी में खूब खाऊंगा। ठीक है, खूब खाना, खूब खूब। तो गाइस एंड में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप जब भी नई वीडियो देखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, एक तो तुमने फुल ट्रेन किया है। इसी तरीके से आप अपना प्यार स्नेहा रावत नेगी के साथ बनाए रखें। वाओ, एक तो बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। ये मैंने आपसे ही सीखी है। बार बार नहीं दबाना होता है, एक ही बार दबाना होता है। यस, वो हो जाता है, बेल आइकन दोबारा से वैसा हो जाता है, नोटिफिकेशन नहीं है। ये मैंने आपसे सीखा है। बाय तो करते फिर। बाय 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 शैलू, बाय आंटी, बाय।